साल था 1915। उस समय हमारी मनुष्य जाति के सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में कन्वर्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे स्पेस और टाइम इंटरकनेक्टेड हैं, यानी एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं, और कैसे लाइट अपने पाथ को किसी विशाल बॉडी की मौजूदगी में बेंड करेगी। उनकी यह जनरल रिलेटिविटी थ्योरी पूरे विश्व के लिए एक चर्चा का विषय बन गई, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने सन 1919 में 29 मई को एक सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण की मदद से आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी को वेरीफाई किया, जिसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी को पूरे विश्व ने माना। उनकी इन थ्योरीज को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। उनकी इन थ्योरीज की मदद से हमने लाइट को समझा, जिसने हमारे लाइट को समझने के तरीके को ही बदल दिया, और उन्हीं की थ्योरीज ने हमें यह समझाया कि कैसे पार्टिकल्स हमारे इस अंतरिक्ष में मूव करते हैं, जिसकी मदद से आज नासा अपने स्पेसक्राफ्ट पर यह रिसर्च कर रही है कि कैसे पार्टिकल्स उनके स्पेसक्राफ्ट को डैमेज कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक्सपेक्टेड डैमेज के बारे में पहले से ही पता चल जाए, ताकि वो अपने स्पेसक्राफ्ट को इस तरह से डिजाइन करे कि वो एक्सपेक्टेड डैमेज से प्रोटेक्टेड रहे। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी से हमें पता चला कि कैसे लाइट का पार्टिकल या फोटोन जितनी स्पीड आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो उस कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। इस स्पीड तक पहुंचना काफी मुश्किल है, और यह ऐसी स्पीड है जिसे और इंक्रीज नहीं किया जा सकता। हमारे इस अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर वैक्यूम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद पार्टिकल्स काफी तेज स्पीड पर ट्रेवल करते हैं, जिनमें से कुछ पार्टिकल्स तो लगभग लाइट की स्पीड के 99.9% करीब तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण यह पार्टिकल्स अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए काफी खतरनाक हैं, क्योंकि यह उसकी आउटर कवरिंग को इजीली डैमेज कर सकते हैं। नासा के रिसर्चर्स को जब इन पार्टिकल्स के बारे में पता चला, तब से नासा इन पार्टिकल की इस सुपर फास्ट स्पीड तक पहुँचने के कारण के बारे में जानने में लगी है, और नासा के रिसर्चर्स ने ऐसे तीन पॉसिबल वेज को खोज लिया है जिससे यह पार्टिकल्स ऐसी सुपर फास्ट स्पीड पर पहुंच जाते हैं। नासा के रिसर्चर्स के अनुसार पहला पॉसिबल वे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना है दो चीजों से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो दोनों मिलकर किसी पार्टिकल को सुपर फास्ट स्पीड तक पहुंचाते हैं। वैज्ञानिकों का तो यहां तक मानना है कि अंतरिक्ष में मौजूद पार्टिकल जो सुपर फास्ट स्पीड पर ट्रेवल कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर पार्टिकल की स्पीड के पीछे का कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे किसी पार्टिकल को ड्राइव करता है, आइए जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मौजूद कोई भी पार्टिकल एक फोर्स को फील करता है, वो फोर्स उस पार्टिकल को पुश करती है। अगर वहाँ पर प्रॉपर कंडीशंस मौजूद हो तो यह फोर्स उस पार्टिकल को लगभग लाइट की स्पीड के 99.999% तक एक्सेलरेट करने की क्षमता रखती है। हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिनमें वो वैज्ञानिक एक लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके स्मॉल स्केल पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, जिनमें उन पार्टिकल की स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के 99.99% तक पहुँच जाती है, और जब वो ऐसे दो पार्टिकल्स को एक दूसरे से टकराते हैं तो इस कोलिजन के बाद काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जो हमें यह समझने में भी मदद करती है कि बिग बैंग के बाद कैसे हमारे यूनिवर्स के निर्माण के कुछ सेकंड बाद ऐसे ही कई पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ कोलिजन हुआ होगा, जिसके कारण काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई होगी, जिसने कुछ गैलेक्सीज को एक दूसरे से काफी दूर फेंक दिया। इस केस के बाद वैज्ञानिकों को जो दूसरा पॉसिबल केस लगा था वो है मैग्नेटिक एक्सप्लोजन। हमारे इस अंतरिक्ष में हर जगह एक चीज कॉमन है, जो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमारी पृथ्वी से लेकर एक ब्लैक होल तक के पास होता है। यह मैग्नेटिक फील्ड किसी प्लेनेट के मून से लेकर एक पार्टिकल को ड्राइव करता है। किसी भी बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड उस बॉडी के अराउंड स्फेरिकल लाइंस की एक शेप में होता है, लेकिन जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे में उलझ जाते हैं। इस उलझन के कारण जब इन लाइंस में टेंशन काफी बढ़ जाती है तो
तो यह लाइंस एक्सप्लोजिवली स्नैप करती हैं और रीअलाइन होती हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम मैग्नेटिक रिकनेक्शन कहते हैं। काफी तेजी से किसी रीजन के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले इस चेंज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, जो वहां पर मौजूद सभी पार्टिकल्स को काफी ज्यादा स्पीड पर एक्सेलरेट कर देता है, जिससे उनमें से कुछ पार्टिकल्स सुपर फास्ट स्पीड पर पहुंच जाते हैं। यह सुपर फास्ट पार्टिकल्स किसी भी प्लेनेट या फिर किसी नजदीकी स्पेसक्राफ्ट के लिए काफी मुश्किलों को खड़ा करते हैं। मैग्नेटिक रिकनेक्शन हमारे सोलर सिस्टम में हमारे सबसे करीब वहां होती है जब हमारे सन का मैग्नेटिक फील्ड हमारी पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को पुश करता है। लेकिन जब यह मैग्नेटिक रिकनेक्टिंग पृथ्वी की उस साइड होती है जो हमारे सन की ओपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रही होती है, तो यह पार्टिकल्स अपनी सुपर फास्ट स्पीड के कारण हमारी पृथ्वी के आउटर एटमॉस्फेयर में घुसकर अरोरास को जन्म देते हैं। नासा के मैग्नेटोस्फेरिक मल्टीस्केल स्पेसक्राफ्ट को इस तरह से बनाया और डिजाइन किया गया है कि वो मैग्नेटिक रिकनेक्शन के सभी पहलुओं को समझ सके, और इसी तरह के चार स्पेसक्राफ्ट भी ऐसे ही हमारी पृथ्वी का ऑर्बिट कर रहे हैं, जिनका मिशन हमारी पृथ्वी के एक्टिव मैग्नेटिक रिकनेक्शन को कैप्चर करना है। इन मिशन से मिला डाटा वैज्ञानिकों की मदद इन पार्टिकल को समझने में करेगा। सेकंड केस के बाद रिसर्चर्स को जो तीसरा पॉसिबल केस लगा वो था वेव पार्टिकल इंट्रैक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ इंट्रैक्शन होने से पार्टिकल भी एक्सेलरेट करते हैं। जब ऐसी ही दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं, तो वहां पर मौजूद फील्ड कंप्रेस हो जाता है, जिससे उस फील्ड में मौजूद पार्टिकल्स उन वेव्स में आगे और पीछे टकराने लगते हैं, और अपनी इन्हीं टक्करों के साथ वो एनर्जी को भी गेन करने लगते हैं। और इसी तरह की इंट्रैक्शन हमें स्पेस में भी देखने को मिलती है, जो सुपरचार्ज पार्टिकल को छोड़ती है। यह सुपरचार्ज पार्टिकल किसी भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट डैमेज कर सकते हैं। यह वेव पार्टिकल्स किसी कॉस्मिक रे को भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, और इन्हीं वेव पार्टिकल इंट्रैक्शन के कारण इन्हें हमारे सन की कॉस्मिक रेज और सोलर विंड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। यही थे वो तीन केसेस जिनके द्वारा कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड को अप्रोच कर सकता है। इन सुपरफास्ट पार्टिकल की स्टडी करने के बाद हमारे लिए हमारे अंतरिक्ष में एक्सप्लोर करना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि हम अपने स्पेसक्राफ्ट को इन पार्टिकल से प्रूफ बनाएंगे, जिससे हमारे उन स्पेसक्राफ्ट की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन तब तक आप एक काम कर सकते हो, जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे होगा यह कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आपसे कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।